रणबीर कपूर आलिया भट्ट इस महाकाल बाबा के मंदिर में नहीं घुसने देंगे उसको। चैनल के ऊपर रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गोबक्से को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा बजरंग दल। पूरे देश में उसका विरोध करता है और आज यहाँ पर वो अगर आया है तो उसको मंदिर नहीं आने देंगे। बॉलीवुड के लोकप्रिय और कामयाब कलाकार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के दर्शन से रोका गया। उन्हें बिना दर्शन किए ही मंदिर से वापस लौटना पड़ा। फिल्म के निर्देशक आयान मुखर्जी गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। आलिया, रणवीर और आयान मुखर्जी के आने से पहले ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता महाकाल मंदिर पहुंच गए और इन दोनों को मंदिर के अंदर जाने का विरोध करने लगे। लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है। इसमें हम खबरों से जुड़ा एक सवाल रखते हैं, इस पर आप जवाब देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और हम उन प्रतिक्रियाओं को लेकर आपके सामने पेश होते हैं। आज के पोल का पोस्टमार्टम कार्यक्रम में हमने सवाल रखा था, ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन को लेकर उज्जैन में बवाल, क्या महाकाल के दर्शन से रणबीर और आलिया को रोकना सही है। इस सवाल के जवाब में 70% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 30% लोगों का जवाब ना में था। जिन लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है उनमें से मीनाक्षी चौधरी ने लिखा है, दर्शन करना तो बहाना था, वे तो फिल्म का प्रमोशन करना चाहते थे, लोगों को अपना धार्मिक एंगल दिखाकर, लेकिन पब्लिक अब जाग गई है, कोई हथकंडा काम नहीं करेगा। मोहन जोशी ने कहा है, बहुत अच्छा किया इन लोगों को रोककर, ये लोग बाबा महाकाल क्या किसी भी मंदिर में जाने लायक नहीं है। निघंतु 007 नाम के यूजर ने लिखा है, भाई जब हिंदू धर्म में आस्था ही नहीं तो काहे का मंदिर दर्शन, किसी मजार पर चादर चढ़ाकर आए, सेक्युलरिज्म वाले सब मजार ही जाते हैं। ऑनलाइन स्टडी टाइम नाम के यूजर ने लिखा है, फिल्मों की रिलीज से पहले इस तरह का पाखंड करना रावण का भगवा पहनकर छल करने जैसा ही है। हिरेन गोस्वामी लिखते हैं, वे लोग मंदिर दर्शन करने नहीं गए थे, वे फिल्म का प्रमोशन करने गए थे, और आलिया तो मुस्लिम है, उसे मस्जिद जाना चाहिए, वो मंदिर क्यों गई थी। टेम्पररी नाम के यूजर ने लिखा है, मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं है, भगवान के दर्शन का अधिकार सभी को है, देवताओं ने तो राक्षसों को भी पूजा करने से नहीं रोका, हालांकि राक्षस हवन पूजन में विघ्न डालते थे। सुबोध पटेल लिखते हैं, आप फिल्म का विरोध करें लेकिन मंदिर आने से नहीं रोक सकते, अभी हमारे यहाँ इस तरह की घटना ज्यादा हो रही है। मयूर सांखे ने लिखा है, मंदिर जाने से रोकना बिल्कुल ही गलत है, सनातन संस्कृति में पापियों को भी मंदिर जाने की अनुमति है। हमें इस तरह के सैकड़ों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी है, हजारों लोगों ने इस पर जवाब दिया है, वोट दिया है, हम सारी प्रतिक्रियाएं शामिल नहीं कर सकते, हमें इसका अफसोस है, ये हमारी सीमा है, पर हम ये कोशिश जरूर करते हैं कि हर तरह के विचार शामिल कर लिए जाए। फिल्म ब्रह्मास्त्र की सफलता की कामना लेकर मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को भगवान महाकाल के दरबार में जाने का मौका नहीं मिल पाया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया और वे बिना दर्शन के ही लौट गए। हालांकि ब्रह्मास्त्र फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी ने जरूर भगवान महाकाल का दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। इस पूरे विवाद की शुरुआत इस तरह हुई कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर जोरदार विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद के नेता अंकित चौबे ने बताया कि रणबीर कपूर ने बीफ को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, इस कारण उन्हें महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश से रोका गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे पर पूरे देश में आंदोलन छेड़ा जाएगा और उन्हें किसी सूरत में मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हम यहाँ पर रणबीर कपूर का विरोध करने के लिए आए हैं, उसने हमारी गाय माता को लेकर अश्लील बयान दिए हैं, गो माता को लेकर गो माता के बीफ को लेकर हम उसका कड़ा विरोध करते हैं, और यहाँ पर हमसे विरोध करने आए तो प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है। हम प्रशासन के इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। रणबीर कपूर आलिया भट्ट इस महाकाल बाबा के मंदिर में नहीं घुसने देंगे उसको। जो मीडिया के चैनल के ऊपर रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गोबक्से को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा बजरंग दल। पूरे देश में उसका विरोध करता है और आज यहाँ पर वो अगर आया है तो उसको मंदिर नहीं आने देंगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम पोल का पोस्टमार्टम। ये कार्यक्रम आपका है,
ये मंच आपका है, हम आपके प्रतिक्रियाओं को, आपकी बातों को लेकर आपसे रूबरू होते हैं, आपकी असहमतियों, आपकी आलोचनाओं को भी पूरे सम्मान के साथ जगह देते हैं। तो कल एक बार फिर एक नए सवाल के साथ हम आपके सामने पेश होंगे, आप उससे ज़रूर जुड़ें और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। इंतज़ार रहेगा कल तक का। नमस्कार।